हेलो फ्रेंड्स, लुबनास किचन में मैं लुबना एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही जायकेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है हलीम। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हलीम बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए लुबनास किचन को और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई रेसिपी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये 250 ग्राम के करीब हलीम के गेहूं हैं। ये बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। इन्हें अच्छे से साफ कर लेंगे, कोई कंकड़ या कचरा वगैरह हो तो इसे निकाल लेंगे और 4 से 5 मरतबा पानी से अच्छे से धोकर ओवर नाइट भिगो देंगे या तो फिर कम से कम 6 घंटे तक इसे भिगो दीजिए। ये देखिए, ये गेहूं को मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था, ये अच्छे से फूल गए हैं। अब इन्हें मैं उबाल लूंगी। एक प्रेशर कुकर ले लेना है, इसमें ये गेहूं डाल देने हैं और 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी ऐड कर देना है। 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये 4 मिर्चें हैं जिन्हें मैंने रफली तोड़ लिया है, 1 टेबलस्पून तेल है। तेल डालने से गेहूं के दाने एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और खिले खिले से रहेंगे। इसका लीड लगा देना है। पहले इसे 5 मिनट हाई फ्लेम पर पकाएंगे और 20 से 25 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पर इसे पका लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, गेहूं अच्छे से गल चुके हैं, इसे एक तरफ रख देंगे। ये दालें हैं भीगी हुई, जिसमें मैंने 1 कप चने की दाल, 1/2 कप उड़द की दाल, 1/4 कप मसूर की दाल, 1/4 कप तुअर की दाल यानी अरहर की दाल और 1/4 कप मूंग दाल लेकर अच्छे से धोकर 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप चाहे तो इसमें 1 कप चौली की दाल भी ले सकते हैं। इन दालों को भी हल्दी और नमक डालकर उबाल लेंगे। 1 कटोरी में 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, अगर आप तीखा ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा ले लीजिए, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद के मुताबिक और 2 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डालकर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए पेस्ट बनकर तैयार है। इसे हम एक तरफ रख देंगे और प्याज का बिरस्ता बनाएंगे। बिरस्ता यानी प्याज को गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। 250 ग्राम के करीब तेल को मैंने अच्छा सा गरम कर लिया है। याद रखना है, जब भी बिरस्ता बनाए तो तेल अच्छा गरम होना चाहिए। ये 4 बड़े प्याज हैं पतले कटे हुए, इसे हम तेल में डाल देंगे। ये देखिए तेल कितना गरम है, बिरस्ते के लिए हमें इतना गरम तेल ही चाहिए। प्याज को हाई फ्लेम पर ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज का बिरस्ता बनकर तैयार है। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। एक प्रेशर कुकर में मैंने 4 टेबलस्पून के करीब तेल गरम कर लिया है। ये वही तेल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। अब इस तेल में खड़े मसाले डाल देने हैं, जैसे 4 तेज पत्ते, 10 काली मिर्चें, 5 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2-3 पत्तियां जावित्री की, 1 टीस्पून साबुत जीरा है। इन्हें हमें हल्का सोते कर लेना है। गैस की आंच हम स्लो रखेंगे। अब इसमें हमने जो मसाले की पेस्ट बनाई थी उसे डाल देंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से भून लेंगे। इसे लगातार हिलाते रहेंगे ताकि मसाला जो है तले में चिपक ना जाए। ये अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे। ये 1 किलो के करीब गोश्त लिया है, इसे भी मसालों के साथ 5 मिनट तक भून लेना है। अब इसमें 1 कप के करीब या तो गोश्त गल जाए उतना पानी डाल देंगे
और इसका लीड लगाकर गोश्त गलने तक इसे अच्छे से पका लेंगे। गोश्त जो है अच्छे से गल गया है। उबले हुए गेहूं को मैंने एक बड़े पतीले में ट्रांसफर कर लिया है, ये देखिए। अब गैस ऑन करेंगे। ये उबली हुई दालें हैं, इन्हें मैंने थोड़ा खड़ा ही रखा है, बहुत ज्यादा नहीं गलाया है। इन्हें भी गेहूं में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें उबला हुआ गोश्त भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हलीम की ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसे हम 10 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पर पका लेंगे। अब इसमें एक कटोरी हरा धनिया, प्याज का आधा बिरस्ता हम ऊपर से डालेंगे और आधा हम इसमें अभी डाल देंगे। एक कटोरी कटा हुआ ताजा पुदीना डालना है, इससे स्वाद काफी अच्छा आता है। 2 नींबू का रस, 2 से 3 मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है और 5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर इसे पका लेना है। 5 मिनट के बाद मैंने गैस ऑफ कर दिया था। इसमें हम कोयले का धुंगार देंगे, एक कटोरी रखेंगे और उस पर जलता हुआ अंगारा रखकर तेल या घी डालकर जल्दी से ढक्कन को ढक देंगे। कुछ देर के बाद कटोरी को हम बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए, खाने को तैयार है गर्मा गर्म टेस्टफुल हलीम। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ।